शुरुआत मैं उस बयान से करना चाहता हूँ जिसमें आपने 500 साल के करीब पहले लिखी गई एक ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया और कहा कि इस पर प्रतिबंध लग जाए, इतनी नाराजगी क्यों? जैसे जे बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, क्या कोई धर्म अपने ही धर्मावलंबी को नीच धर्म कहता है? तो ये गुस्सा जो आपके अंदर है, ये अभी अचानक कैसे आ गया या पहले से रखा हुआ था, इसको आपने अभी प्रदर्शित कर दिया? ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस बार ये अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इत्तेफाकन बयान नहीं था सर, कई लोगों से मेरी बात हुई। देखिए आप भी नेता हैं तो हम भी पत्रकार हैं और हम भी जानते हैं कि राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता। आपने कहा आप अपमान नहीं कर रहे हैं साधु संतों का, लेकिन आपने कहा कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी राह नहीं बदलती है, लेकिन साधु संत बड़े नाराज हैं आपसे। फिलहाल अभी मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। रामचरित मानस एक महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं। लेकिन जिस किताब में भगवान राम के जीवन के विषय में बताया हो, वो धार्मिक कैसे नहीं हो सकती? कोरोना से पलायन करने वाले मजदूर मौत का सौदागर है, क्या इस तरह का जो बयान था कोरोना के टाइम में, उससे अभी भी आप सहमत हैं? सहमता ये मेरा बयान तो नहीं। बिल्कुल आपका है, मैं भी था वहाँ पे। वो बयान तो आपके संज्ञान में होगा जब आपने कहा था कि हिंदू रीति रिवाज से जो शादियाँ होती हैं उसमें गौरी गणेश की परिक्रमा जो पूजा होती है वो नहीं होनी चाहिए। वो भी प्रवेश दूसरा था, उसको मैं अलग से बताऊंगा। बाबा बागेश्वर का भी सम्मान करते हैं? जो संत चरित्र का है मैं उसका सम्मान करता हूँ। उनके पास भी लाखों भक्तों की भीड़ है। देखिए लाखों भक्तों की भीड़ तो बापू आसाराम जी के पास भी थी। मड़ई वाला घर छोड़ने में दुख होता है, बसपा छोड़ने में शायद आपको अफसोस हुआ होगा, भाजपा छोड़ने में कोई अफसोस हुआ था क्या? नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग देखा ये तो दिन दहाड़े डकैती डालते हैं आरक्षण पर। स्वामी प्रसाद जी खुल करके कभी मुख्यमंत्री की खिलाफत नहीं करेंगे क्योंकि वो बुलडोजर से डरते हैं। बुलडोजर गिराएंगे क्या गिराएंगे? किसी भी परिवेश में किसी संत को या किसी मुख्यमंत्री को ठग कहना क्या उचित है? कि योगी जी के पहले कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब तो मैं नंबर देने की पोजीशन में नहीं हूँ, उसमें आप नंबर पूछ सकते हैं। अभी ही तो आप ज्यादा नंबर देने की पोजीशन में हैं। सपा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? राजनीतिक पार्टियों का कोई दुश्मन होता ही नहीं। शूद्र क्या है ये समझाएंगे आप? लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS बने, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी शेड्यूल टाइप्स नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं। जब बने थे तो आप मंत्री थे, तब आपने आप सवाल कर रखा है, तब तो आप सबका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे में बह गए थे, तब आपको ये सब चीजें क्यों नहीं दिखी?